हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है, आज 26 दिसंबर है, कल क्रिसमस था। और मैंने बहुत दिनों बाद आज ब्लॉग बना रही हूँ। हाँ, गैया नहीं बजा रहे अभी। सो फ्रेंड्स, क्या ये होता है बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ यही होता है। सो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि एक्चुअली घर में पेंट वगैरह चल रहा था और छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ बहुत मुश्किल हो रहा था मैनेज करना। सो अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा नौटंकी कर रहा है। एक्चुअली जस्ट क्या हुआ, क्या हो गया, क्या चाहिए? 11 बज रहे हैं सुबह के, और मतलब बड़ा वाला बेटा मेरा स्कूल जा चुका है और यहाँ पर ये है, ये मुझे परेशान कर रहा है। तो मैं आप लोगों से बात करूंगी थोड़ी सी देर में। अभी जा रही हूँ, ब्रेकफास्ट बन चुका है, मैंने भी किया नहीं है, 11 बज चुके हैं। मैं अभी ब्रेकफास्ट करूंगी एंड उसके बाद फिर बाकी के मतलब क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है, सब कुछ ठीक कर चुकी थी मैं सुबह सुबह। ये सब कुछ एकदम अच्छे से मैंने ठीक कर दिया था। अभी भी ठीक है, थोड़ा बहुत बिखर गया है क्योंकि यहाँ पर है ये चॉकलेट बिस्किट खा के सब मुँह गंदा कर लिया है। सो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था अपने लिए उत्पम, तो बस यहाँ पे वही बना रही हूँ अपने लिए और पापा जी के लिए, दोनों लोग के लिए मैंने उत्पम ही बनाए थे आज अपने ब्रेकफास्ट में। और बस वही यहाँ पे मैं बना लूँगी एंड साथ में बनाई थी हरी चटनी क्योंकि उसके साथ ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मुझे। फ़िलहाल तो मैंने वही बनाए थे, और नहीं उसके अलावा अगर उसकी मूंगफली की चटनी के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप बनाना चाहें तो उससे के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप बना सकते हैं। पर आज क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है तो हरी चटनी खूब आ रही है, धनिया वगैरह, तो इसलिए मैंने हरी चटनी के साथ ही बनाया। और इसके बाद फिर यहाँ पर मैं साथ ही साथ में, जब तक ये बनेगा उतनी देर खड़े तो रह नहीं सकते किचन में क्योंकि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, टाइम पे काम कंप्लीट होना ज़रूरी होता है। जब बच्चे साथ में होते हैं तो मल्टीटास्किंग बनना ही पड़ता है। और यहाँ पर बस जितनी देर में ये बनेगा उतनी देर में मैं दोपहर के लंच के लिए मशरूम बनाने वाली हूँ, तो बस उसको कट कर रही हूँ। कट करके इसको मैं बॉयल करूँगी थोड़ा सा पानी में, नमक डाल के मैं इसको पहले बॉयल कर लेती हूँ ताकि इसमें जितनी भी गंदगी इम्प्योरिटी है वो सब हट जाए और ये एकदम अच्छे से साफ़ हो जाए। क्योंकि मैं मशरूम को हमेशा ही नमक के पानी में बॉयल करके ही बनाती हूँ। और ये देखिए मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो बन चुका है। सो इसके बाद यहाँ पर बस देखिए मैं नमक डाल रही हूँ और इसको थोड़ी देर बॉयल करूँगी। जितनी देर में मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी उतनी देर इसको ऐसे ही चढ़ा के चली जाऊँगी ताकि उतनी देर में ये बॉयल हो जाए। और इसके बाद यहाँ पर फिर उसके बाद जब मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया फिर मैं आके यहाँ पर लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसमें मैंने प्याज हो गया और टमाटो हो गया और गार्लिक और जिंजर सबको अच्छे से ऐसे ही मतलब कि चॉप कर लिया है और इसको बस इस तरह से थोड़े से तेल में डाल के मैं इस तरह से पहले पका लूँगी। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सिंपल सा ही इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं और नमक डाल दिया है थोड़ा सा, और इसको धीमी गैस में थोड़ा सा देर पका लेंगे इस तरह से। अब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको पीस लेंगे इस मिक्सचर को एंड इसके बाद फिर हम सब्ज़ी बनाएंगे। तो सब्ज़ी बनाने से पहले मैंने कुकर में आज जो है राइस पहले बना लिए हैं, सब्ज़ी बाद में बनाऊंगी क्योंकि मसाला वगैरह ठंडा होगा उतनी देर में यहाँ पे राइस पक जाएंगे। और पहले मैंने इसीलिए राइस चढ़ा दिए हैं और सुबह नाश्ता बन ही चुका था एंड इसके बाद क्योंकि काम जो है पैरलर काम करना पड़ता है वरना नहीं तो चीज़ें टाइम पर कम्प्लीट नहीं होंगी और बच्चे हैं छोटे तो उनको भी टाइम देना पड़ता है। सो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि जितना काम एक साथ में निपटा लूँ उतना ही अच्छा है। सो यहाँ पर बस अब जो हमारी ये है मूली है इसको मैं घिस लूँगी सैलड बनाने के लिए एंड इसके बाद यहाँ पे सैलड बना लूँगी। और साथ ही साथ यहाँ पे जब तक स्टीम निकलेगी तब तक हमारा जो मसाला है वो भी ठंडा हो जाएगा एंड उसके बाद हम लोग बनाएंगे सब्ज़ी।
बच्चे जो होते हैं, जो छोटा वाला बेटा है वो मेरे आसपास ही रहता है, या तो किचन में होता है मेरे पास में होता है, या तो फिर बाहर कमरे में मैं रूम में टीवी वगैरह लगा देती हूँ तो वो टीवी देखता रहता है, या फिर वो नीचे अपने बाबा के पास चला जाता है, तो वो मतलब पूरे घर में टहलता रहता है और बस ऊपर नीचे करता रहता है और बीच बीच में मुझे डिस्टर्ब भी करता रहता है। बट चलिए, ये भी दिन है, निकल ही जाएंगे, अभी बच्चे छोटे हैं और जब बड़े हो जाएंगे तो बस ये यादें ही रह जाती हैं। देन अब यहाँ पर देखिए मेरा जो है कुकर में मसाला जो है, अब मैं यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ एंड इसके बाद फिर मैं इसमें बनाने वाली हूँ मशरूम की सब्ज़ी, मटर मशरूम। सो यहाँ पर बस तेल डाल के मैंने इसमें जा रहा है डी जीरा एंड हींग, ये तीनों डाल के, आप इसमें खड़े मसाले भी ऐड कर सकते हैं बट आज मैंने नहीं डाले हैं, एक्चुअली मैं भूल गई थी, डालना ही भूल गई तो मैंने नहीं डाले, नहीं तो मैं इसमें दालचीनी और बड़ी इलायची डालती हूँ, बट आज मेरे को याद ही नहीं रहा, जल्दी जल्दी में काम में मैं भूल गई कि मुझे वो भी डालना था। सो हो जाता है कभी कभी, इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं। देन यहाँ पर मैंने टोमेटो की जो अभी मसाला बनाया था उसको ऐड किया है, उसको ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम चलाएंगे और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे अपने मसाले। सो यहाँ पर हल्दी डाल रही हूँ मैं, धनिया पाउडर जो बेसिक मसाले हैं वो डालेंगे इसमें, हल्दी, धनिया एंड नमक, और साथ ही साथ डालूँगी मैं यहाँ पर थोड़ा सा मीट मसाले का पाउडर और उसको डालेंगे, उसको टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है, तो मैं 2-3 मसाले यूज़ करती हूँ एंड आपको आगे बताऊंगी और कौन कौन से मसाले यूज़ करती हूँ फिर किसी दिन किसी और ब्लॉग में। एंड इसमें तो फ़िलहाल मैंने मीट मसाला ऐड किया है एंड इसके बाद इसमें थोड़ा सा कर्ड ऐड किया है उसको फेंट के, जिससे कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आ जाता है, और साथ ही इसमें जाएगी थोड़ी सी, 1 चम्मच से भी थोड़ी कम शुगर। सो फ्रेंड्स, इसके बाद इसको हम अच्छे से पका लेंगे और बस मसाला वगैरह पक जाने के बाद इसमें हम अपना ऐड कर देंगे वही मटर और मशरूम को, और इसमें लगा देंगे सीटी। एक्चुअली मैं इसको हमेशा ही कुकर में बनाती हूँ क्योंकि इसमें मुझे सीटी लगाने सही लगता है, क्योंकि नहीं तो मशरूम अच्छे से पक नहीं पाता है फिर, और भी वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है मुझे, तो इसलिए मैं इसको हमेशा ही कुकर में बनाती हूँ इस सब्ज़ी को। एंड इसमें मैं 3-4 सीटी लगाऊँगी और तब ये अच्छे से मतलब गल जाता है थोड़ा, नहीं तो मशरूम फिर टाइट रहता है तो मुझे नहीं पसंद आता। देन यहाँ पर ये देखिए चढ़ा दिया है और अब इसमें आएगी सीटी, तब तक बाकी काम मेरे हो चुके हैं, बस रोटी बनाना बाकी था। सो अब मैं वहाँ पर यहाँ पर रोटी सेक लूँगी तो फाइनली लंच का काम मेरा हो जाएगा, और इस टाइम पे बज रहे होंगे लगभग 12:30 का टाइम हो चुका है और रुद्र के स्कूल के आने का टाइम है 1:30 का, तो वो भी आने ही वाला होगा। देन यहाँ का खाना बनाने के बाद मैं आ गई हूँ छत पर, यहाँ पर अब इस टाइम पे थोड़ी सी धूप निकल आई है, मौसम ठंडा है तो धूप में थोड़ा ठीक रहता है, और बच्चों को अब मुझे इसको थोड़ा सा नहलाना वगैरह है, तो बस मैं खाना वाना बना के इसको नहला वहला के तैयार कर दूँगी दिन के लिए, और अभी टाइम हो रहा है 12 बजे का, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों को नहीं करते हैं इतने टाइम ठंड का मौसम है। तो फिर गाइस, मेरा यहाँ पे एक स्कूल है जो सर्दियों में निकलता है, इसके अंदर ये सब सामान तुम्हारा कितना सारा फैलाया है तुमने, ये बहुत सारा है, इसे अंदर लगना है। अच्छा, तो कहाँ पे बनेगा तुम्हारा ये स्कूल? मेरा ये बनेगा उधर कोने में। चलो बनवाओ, बना डैडी, और मेरे गार्डन को कुछ मत करना। ये गार्डन ही तुमने इसको पूछा, तो पानी डालने जा रहे हैं तुम्हारा, जब तक घर बनेगा तब तक हम अपने प्लांट्स को पानी दे देंगे। ठीक है, दिखा देंगे, तब तक हम अब प्लांट्स के पानी को डाल दें। यहाँ नीचे तो मेरे को लग रहा पापा जी डाल गए, हाँ इसमें देखो नहीं पड़ा।
फ्रेंड्स, अब इवनिंग का टाइम है, लगभग 6 बज गए हैं और मैं अभी ऊपर छत से अपना जो प्लांट्स वगैरह को पानी देना था वो देख के आ रही हूँ। और शाम की चाय हम लोगों की हो गई है एंड दोपहर के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि दोपहर के बाद थोड़ी देर किया रेस्ट एंड उसके बाद फिर शाम का चाय वगैरह बनाई। एंड ये मम्मा मम्मा पीछे से बोल रहे हैं, क्या हुआ? अभी अभी सो के उठा है बिल्कुल, और थोड़ा सा ही टाइम हुआ अभी सो के उठे हैं। हेलो, हाय, बोलो हेलो। हेलो, शर्मा आ गया तो शर्मा के जा रहा है अब वो यहाँ से। कहाँ जा रहे हो? नीचे, धीरे से धीरे से धीरे से जाना। उसके बाद अब मैं बैठी हूँ और अब जा रही हूँ। अब इवनिंग के जो काम है, मतलब कि डिनर की प्रिपरेशन करनी है और थोड़ा सा और भी चीज़ें, साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, काम बच्चों के साथ थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश रहती है कि हो जाए, एक साथ कई चीज़ें होती हैं तो वो सब करूँगी। एंड इस व्लॉग को एंड मैं यहीं पर करूँगी क्योंकि मॉर्निंग से स्टार्ट किया था आज का ये व्लॉग, तो मैंने सोचा है कि काफ़ी लंबा हो जाएगा, नहीं तो फिर वो बहुत लंबा व्लॉग हो जाता है तो फिर मज़ा भी नहीं आता है, आप लोग को देखने में इंटरेस्ट भी नहीं आता। सो मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप अभी पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और मुझे बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।